मैं आप लोगों का सुखू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने कबीर द्वारा लिखी गई साखी के बारे में बताया, अब आगे उनके द्वारा लिखा गया पदावली जो कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में उनकी क्या सोच है, उनका क्या रुख है, उसको स्पष्ट किया है। दुलहिन गावह मंगल चार। कबीर दास जी कहते हैं कि हे दुलहिन, हे संतु, मंगल मंगलमय गीतों का गान करो। यह पद निर्गुण से संबंधित है, इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतों, आप लोग मंगल चार, जैसे शादी विवाह होता है, दुअर पूजा लगता है, तो स्त्रियां जो है बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गाती हैं, उसी तरह से कबीर दास जी भी कहते हैं कि हे संतों, आप लोग मंगलमय गीत गाओ। हम घर आयो हूँ राजा राम भरतार। मेरे घर राजा राम भरतार बन करके, भरतार का अर्थ होता है जो भरण पोषण करे, जो समस्त जीवों का भरण पोषण करे, वही भरतार होता है। तो राजा राम जो है वे हमारे स्वामी बन करके हमारे घर आए हुए हैं, इसलिए हे संतों, आप मंगलमय आचरण करो। तन रति कर्मय, अपने शरीर को प्रेममय बना करके, माने आत्मा को परमात्मा में मिला करके मन रति करी हूँ, और मन तन से, मन से मैं भगवान से, उस परमात्मा से प्रेम करूँगा। पंच तत्व बराती, और ये जो पंच तत्व हैं, क्षित जल पावक अनल समीरा, ये पांच तत्व जो हैं, वो जो शरीर, जिससे शरीर का निर्माण हुआ है, ये बराती के रूप में आएंगे। राम देव मोरे पाहुने आए, राम देव भगवान राम स्वयं मेरे मेहमान बन करके आए हूँ। मैं जोवन मैं माती, मैं इतनी जो है इतना प्रसन्न हो गया हूँ। कबीर दास जी अपने को एक स्त्री के रूप में और परमात्मा को अपने स्वामी के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं जोवन मैं माती, मैं अपने को पूर्ण रूप से सजा करके, संवार करके उनके सामने प्रस्तुत। शरीर सरोवर वेदी करी, इस अपने शरीर को पवित्र वेदी बना करके, सरोवर के समान पवित्र वेदी बना करके ब्रह्मा वेद उच्चारे, ब्रह्मा स्वयं जो है वेदों का उच्चारण करेंगे। जैसे शादी विवाह में पंडित जी जो है मंत्र का उच्चारण करते हैं, वैसे वो कबीर दास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण करेंगे। राम देव संग भावर लई हूँ, वह परमात्मा आत्मा के साथ जो है भावर लेगा, भावर घूमेगा। धन धन भाग हमारे, आज मेरे भाग जो है धन्य हो गए हैं, या मैं धन्य हो गया हूँ कि वह परमात्मा मेरे साथ जो है मेरी आत्मा में मिला हुआ दिखाई दे रहा है। सुर 3300 कोटिक आए, 33 करोड़ देवता यहाँ जो है रसमलाई खाने के लिए आए हुए हैं। 33 करोड़ देवता यहाँ जो है इस बारात में इस आत्मा और परमात्मा के मिलन को देखने के लिए आए हुए हैं। मुनिवर सहस 88, एक दो नहीं 88, सहस 88 है मुनियों का समूह जो है इस आत्मा और परमात्मा के मिलन को देखने के लिए आए हुए हैं। कहे कबीर हमें ब्याह चले, कबीर दास जी कहते हैं कि वह परमात्मा हमें जो है ब्याह करके, अर्थात आत्मा को लेकर की है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसीलिए कहें कहे कबीर हमें ब्याह चले हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हमको ब्याह करके चले हुए हैं पुरुष एक अविनाशी, वह पुरुष एक अविनाशी जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। बहुत दिनंते मैं प्रीतम पाई,
बहुत दिनों की तपस्या करने के बाद, अथक तपस्या करने के बाद मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, प्रीतम की प्राप्ति हुई। भाग बड़े घर बैठे आए। तपस्या ईश्वर की भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि जंगल में जाया जाए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इतना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि साक्षात परमात्मा जो है मुझे घर बैठे ही दर्शन दिया। मंगल चार माह मन राखो, मैंने अपने मन को पूर्ण रूप से मंगलमय आचरण से युक्त कर दिया और राम रसायन रसना चाखो, और राम अपनी जिह्वा से राम के नाम को, राम के नाम के अमृत को अपनी जिह्वा से चखा। मंदिर माय भयाव जियारा, जब उस परमात्मा के दर्शन हो गए तो मेरे मन के अंदर जो अंधकार था वह प्रकाश से भर गया। लय सूती अपना पीउ पियर, मैंने अपने प्रियतम को अर्थात परमात्मा को अपनी आत्मा में जो है क्या किया, पूर्ण रूप से मिला लिया। मैं रनिवासी जे निधि पाई, आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं रनिवासी, मैं रानियों में श्रेष्ठ, जो मैंने निधि माने खजाना प्राप्त कर लिया है। हम ही कहा यह तुम्हें बढ़ाई, इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है, ये बड़प्पन तो केवल तुम्हारा ही है। कहे कबीर मैं कछु न कीना, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। सखी सुहाग राम मोह दीना, हे सखी हे संतों यह सौभाग्य मुझे राम ने ही दिया। आगे कहते हैं संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, जो हमारे अंदर ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान का तूफान आया, ज्ञान का प्रकाश आया। भ्रम की टाटी सब उड़ाड़ी, भ्रम की टाटी जो है सब कुछ उड़ गई। जैसे तूफान आता है, मड़ैया कमजोर हो गई तो गिर पड़ी, उड़ गई। उसी तरह से जब मेरे अंदर ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम रूपी टाटी जो थी वह उड़ गई। अब माया रहे न बांधी, और जो माया मोह का बंधन था वह बंधन जो है वह भी टूट गया। दुचिते की दोई थुनी गिरानी, और जो सांसारिक माया मोह का बंधन था वो जो दो थुनी थी वो भी जो है गिर गई। मोह बलिंडा फूट टूटा, अब माया मोह का जो बलिंडा था, माया मोह का की जो गठरी थी वह भी टूट गई। तृष्णा छान परी घर ऊपर, और तृष्णा लालच प्यास, लालच भी जो है वह घर के ऊपर उस ज्ञान की आंधी आने पर वो भी उड़ गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो मेरे अंदर बुरे विचार थे वह भी नष्ट भ्रष्ट हो गया। जोग जुगत कर संतो, मैंने हे संतो, मैंने बड़े ही जोग से, बड़े ही उपाय से, बड़े ही जुगत से उसको बांधा था। निर्चु चुए न पानी, कि जरा सा भी जो है उसमें से पानी न चुए। कूड़ कपट काया का निकसान, इस शरीर का जो कूड़ा कचरा था उस ज्ञान की आंधी आने पर क्या हुआ, 9-2-11 हो गया, भाग गया। हर की गत जब जानी, मैंने ईश्वर की दशा के बारे में जब जाना, मैंने जब ईश्वर की दशा के बारे में जाना तो मेरे अंदर का जो कूड़ा कचरा था वो शरीर का वह निकल करके बह गया। आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी आती है उसके बाद जल वर्षा होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कुछ ज्ञान की आंधी के पीछे जो जल की वर्षा हुई, प्रेम हरी जन भीना, उस जल में केवल जो ईश्वर के भक्त हैं उसी का पूरा शरीर जो है उस अमृत की वर्षा से सराबोर हो गया। कहें कबीर भान के प्रगति, एक कबीर दास जी कहते हैं कि भान के सूर्य के प्रगट, जिस प्रकार से सूर्य के प्रगट होने पर उदित भया तम जीना, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है और अंधकार जो है वह नष्ट हो जाता है। एक और देख लीजिए, पंडित बाद बदनते झूठा,
कबीरदास जी कहते हैं पंडित माने विद्वान लोग, विद्वान लोग जो आपस में बात विवाद करते हैं वह झूठा है, बहुत झूठा, बेकार में आपस में वाद विवाद करते हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, अगर राम के कहने पर संसार को मुक्ति मिल जाए तो फिर क्या बात है, हम राम राम रोज चिल्लाएं। खाण कहो मुख मीठा, और खाण कहने से मिठाई कहने से अगर मुंह मीठा हो जाए तो फिर क्या बात है, खरीदना न पड़े। लोग दुकान पे जो बनाते हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, मुंह मीठा कह दें मुंह मीठ हो जाए। पावक कहो पाँव जे दाधी, अरे अग्नि के कहने पर अगर पाँव जल जाए तो फिर क्या बात है, और जल कह तृषा बुझाई, और जल के कहने से प्यास लगी हो और कह दे हे भैया जल, प्यास बुझ जाए तो फिर क्या बात है। तो इसीलिए कहे पंडित बात बदनते झूठा है, पंडित वाले लोग जो कहते हैं ये विद्वान लोग जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं ये सभी क्या है, झूठा है। भोजन कहो भूजते भाजी, अब भूख खूब लगी हो, पेट में दो चार सौ चूहा कूदत रहे हैं, तो भोजन का नाम ले लें और भूख जो है भूखवा जो है वो भाग जाए फिर क्या बात है, गेहूं ऊँ तो क्यों पैदा नहीं करी, भोजन कह दे भूख भाग जाए। तो सब कोई तिर जाए, तो सभी लोगों का उद्धार हो जाए, राम के कहने से संसार मुक्ति पा जाए, खाण कहने से मीठा कहने से मुख मीठा हो जाए, अग्नि कहने से पाँव जल जाए, और प्यास लगी हो जल कहने से प्यास बुझ जाए, भूख लगने पर भोजन कहने से भूख भाग जाए, तो सभी लोगों का उद्धार हो जाए। नर के साथ सुआ हर, अरे मनुष्य के साथ तो सुगो भगवान का नाम लेता है, सीताराम सीताराम, हरि प्रताप न जाने, लेकिन ईश्वर के प्रताप को ईश्वर की महिमा को वह नहीं जानता। जो कबहूँ उड़ जाए जंग, कभी वही तोता जो मनुष्य के साथ राम राम का नाम लेता है यदि कभी वह जंगल में उड़ करके चला जाता है, बहुर न सुरत याणे, फिर उसे कभी भी भगवान की उस ईश्वर की याद नहीं आती है। साची प्रीत विषय मायासु, हम लोग सच्चा प्रेम किससे करते हैं, विषय वासना से करते हैं, इस माया मोह से करते हैं, हरि भक्तिन सुहासी, और जो ईश्वर के भक्त हैं उनको देख करके हम जो है हंसते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, कबीर दास जी कहते हैं कि इससे प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ईश्वर के की भक्ति नहीं हो सकती है, बाधो जमपुर जासी, और उसे अंत में यमराज जो है नरक में ही ढकेलते हैं।